हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग अच्छे हैं, बहुत मस्त होंगे। बहुत गर्मी है और आज तो धूप भी निकली है, मतलब धूप है, अजीब सी धूप है। हाय, तो सुबह उठे हैं, सुबह सुबह के काम चल रहे हैं। मैं और किशु मुझे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ मम्मी की। बस यही सब कर रहे हैं। अभी जाएंगे, देखते हैं अमरूद का पेड़, देखते हैं जो पिछली बार आपने देखा था, दोबारा से हम भी उसे देखते हैं। और किसी का कमेंट आया था, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि आप बालों में कोम क्यों नहीं करते, जंगली जैसे बाल रखते हो। तो भाई साहब, या तो आपका बच्चा है नहीं, बहन जी थे शायद, पता नहीं, मैंने उनका नाम नहीं देखा। ट्री बेटा पत्ते नहीं तोड़ते, नीचे गिरते सिर्फ कोई ट्री। तो या तो आपका बच्चा है नहीं, और अभी नहीं है ना, तो आपका बच्चा जब होगा तो उसे अकेले रखना है एक साल के लिए। आपके बाल के आप खुद पूरे जंगली नहीं हो जाओ तो बताना मुझे। बच्चा एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता यार, आप बाल बनाने नहीं देता ये मुझे बिल्कुल भी। इसको मेरे बाल देखते ही इसको हमेशा ये लगता है कि इसके बाल खींचूँ, इसके क्लिप्स लेके, क्लिप्स तो छोड़ो, बाल खींचना शुरू कर देता और बाल बनाने नहीं देता। और इसके साथ मैं बनाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बाल टूटते फूटते हैं तो फिर इधर ही इसके मुँह में जाते हैं, इसलिए नहीं बनाती। और सोता कितना है ये, 2 घंटे के लिए अगर दिन में सोता है ये बीच में, क्योंकि इसकी नींद भी कम हो गई है, तो उसमें सिर्फ उतना ही काम हो पाता है, नहाना धोना और बहुत सारे काम होते हैं, तो बालों की प्रायोरिटी नहीं रहती। बाल हमेशा बांध के ऐसा लगता है कि ठीक है इसको तो ऐसे ही बांध लो, तो टाइम मिलता है तो बनाती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। खैर चलिए देखते हैं अमरूद के पेड़ का क्या हाल है। तो सुबह सुबह मम्मी सफाई के काम में लग गई है, क्योंकि पेड़ों की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये करने नहीं दे रहा, मैं बोल रही थी मैं कर देती हूँ मम्मी। और ये है हमारा अमरूद का पेड़, जिस पे अमरूद तो बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखो छोटे 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 छोटे। पर यार एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये देखो ये इतना बड़ा अमरूद है, मतलब ये इस साइज़ का तो होगा ही, इतना बड़ा अमरूद खा के इन्होंने गिराया इतना लाल। ए खाते नहीं बेटा, तोते यहाँ पे आते हैं और नहीं बिटू, तोते यहाँ पे आते हैं और वो अमरूद खा के गिरा रहे हैं। और देखो छोटे अमरूद कच्चे कितने सारे गिरा रखे हैं उन लोगों ने, ये देखो। और ये पूरा साफ़ सफाई करनी है, पर ये केशु है कि महाशय छोड़ ही नहीं रही। देखो अमरूद कितने छोटे छोटे अमरूद गिरा दिए यार। चलो एक अमरूद हम भी ढूंढते हैं हमारे लायक कुछ मिले तो। तो ये एक अमरूद मिला है। नानी के उधर फर्स्ट टाइम कैसा लगा बताओ? अच्छा, इतनी भयंकर धूप है ना कि हमने अनाज ही सुखा दिया। ये सुखाया है बाजरा, अरे हाय कैसे कणक गया एकदम, कणक मतलब अनाज ही होता है, कणक गया मतलब एकदम सूख गया है। इतनी भयंकर धूप है, इतनी भयंकर धूप है क्या आदमी सूख जाए, ये तो चीज़ें, ये दालें सुखाई हैं। यहाँ से निकालते हैं, यहाँ सुखाते हैं और खा लेते हैं। आज हम बनाने वाले हैं इसकी सब्जी, ये है बड़ी, मंगोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और ऐसे इसको बड़ी बोलते हैं शायद सब जगह पे। और ये मार्केट वाली बड़ी है, अदरवाइज़ घर पे ही बनाते हैं हमारे, हम मार्केट वाले कभी नहीं लाए। इस बार ही आई हो तो पता नहीं कहाँ से कोई, मेरे को लग रहा है पैकेट वैकेट आया होगा, तो इसकी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई में थोड़ा सा घी, बहुत थोड़ा सा लेना है, इसको हल्का सा भूनना है जो मंगोड़ी हमने ली है। तो थोड़ा सा घी ले लिया, वो गर्म हो गया तो मंगोड़ी डाल के उसको थोड़ा सा भून लेंगे, चलाते हुए हाई फ्लेम पे भून लीजिए, फटाफट से भून जाएगी। और अगर आपको कहीं मंगोड़ी नहीं मिल रही है तो किसी मारवाड़ी की शॉप में जाके उसको बोलिएगा कि मंगोड़ी चाहिए तो मिल जाएगी। यहाँ बड़ी को थोड़ी देर सेक लेंगे, दो से चार मिनट तक सेको, थोड़ा सा खुशबू आने लग जाएगी आपको। तो ये देखो ये सिक गई थी तो मैंने इसको नीचे उतार लिया है, और अब जो है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, अभी थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसको कोट कोट। तो ये हल्के हाथों से मैंने इन्हें फोड़ लिया है, और ये कुछ इस साइज़ की हो गई है, अब इनको इतना ही फोड़ेंगे और सब्जी की जो ग्रेवी वो तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया जार, ग्राइंडर जार, और उसमें डालूंगी लहसुन, 4 से 5 कली लहसुन की डालूंगी क्योंकि थोड़ी सब्जी बना रही हूँ। मिर्ची डालूंगी थोड़ी से ज़्यादा ताकि थोड़ी चटपटी बने,
मुझे ये जो मंगोड़ी की सब्जी होती है ना, ये मुझे ये सब फीकी फीकी से पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें अलग ही टेस्ट आता है, तो थोड़े मसाले वसाले रहते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। हल्दी डालेंगे और डालेंगे धनिया पाउडर अच्छे से, 2 चम्मच डाला मैंने, थोड़ा सा और डालेंगे नमक। नमक बड़ी में ऑलरेडी रहता है तो थोड़ा सा अकॉर्डिंगली डालें। और अब इसमें जाएगा पानी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वापस से कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा घी। सब्जी घी में बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ मसाला, इसे पानी डाल के डाल दें। मसाला डाल दिए, अब इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे। ऑलरेडी कढ़ाई गर्म थी तो ये थोड़ा सा मसाला है तो फटाफट से ही सही हो जाता है, सिक जाता है। ये देखो सिक भी गया है ना, आपको खुशबू भी आने लग जाती है, आपको पता चल जाता है। अब इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये बड़ी, क्योंकि हमें थोड़ी सी पकानी है। आपको लगे थोड़ा पानी कम है तो पानी थोड़ा सा और डाल दें। मैं इसमें थोड़ी देर में दही भी डालूंगी, इसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा पानी मुझे लग रहा है कि इसमें जाएगा। तो ये पानी मैंने लिया है और डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि पहले बड़ी पकानी ज़रूरी है, इसलिए पहले बड़ी पका रही हूँ मैं। मैं एक्चुअली क्या मसाले के बाद ही दही डालती, बट मम्मी ने मुझे बताया कि नहीं, पहले बड़ी पकानी ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैंने पहले बड़ी डाली है। अभी थोड़ी सी पक जाएगी, उसके बाद में इसको दही डालूंगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़ा और पका के अच्छे से इसमें नागौरी मेथी के पत्ते डालिए और सर्व करिए, अगर आपको दही नहीं खाना है तो। इसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। देखो ये पूरी तो हो गई ना, अगर उतनी बड़ी साइज में छोड़े तो कितनी बड़ी बड़ी हो जाती है। उसको एक बार चेक कर लेंगे, जो प्लेट है उसमें ऐसे फोड़ के चेक करा, पक गई है। अब इस टाइम पे इसमें मैं डाल दूँगी दही। दही डालते ही इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे, वरना दही है वो फट जाएगा। उबाल आ गई है, आ गई है, अब हम इसको छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बस 5 मिनट में सब्जी आपकी बन के रेडी है। बस 5 मिनट में अपनी सब्जी रेडी हो जाएगी और इसमें मम्मी जो रोटी बनाएगी गरम गरम, वो चूर चूर के खाएंगे। मतलब कढ़ी में रोटी चूर के खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं यहाँ पे आती हूँ तो मम्मी हर सब्ज़ी में दही डालती है, मुझे कढ़ी वाली जैसी सब्ज़ी होती है ना वो बहुत पसंद आती है। तो ये आज मैंने ही बनाई, मैंने मम्मी को बोला कि आप पूजा वगैरह करो, मम्मी नहा के पूजा वगैरह कर रहे हो और मैं जो है फटाफट से ये बना देती हूँ। अब रोटी तो मम्मी बनाएगी, मैं जब तक नहा लेती हूँ, क्योंकि किशु महाराज सोए हैं। और हम माँ बेटे घूमी घूमी कर रहे हैं। नानी है वो गई है, कुछ सामान लेना था, किशु का पाउडर वगैरह ख़त्म था तो मैं लाना भूल गई थी। तो अभी मम्मी गए हैं और मैं और किशु घूमी घूमी कर रही है। और मैं अभी जैसे आई हूँ तो 2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, बट कल आपको पक्का कल परसों में थोड़ा कुछ घूम के दिखाऊंगी, खेतों में क्या चल रहा है, क्या कुछ उगाया है, कितना कैसा अनाज उगा है और ये सब दिखाऊंगी। तो दिखाऊंगी, अभी तो जस्ट आई हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा खुद का ही शूट कर ले रही हूँ जितना हो पा रहा है। कल सुबह जल्दी उठ के, या फिर क्योंकि दिन में तो इतनी गर्मी इतनी धूप रहती है कि मैं कुछ कर नहीं पाती, बट आज मैंने स्पेशल राजस्थान की जो स्पेशल सब्ज़ी, आप कहीं भी जाओगे बड़ी की सब्ज़ी होती है वो राजस्थान की स्पेशल होती है, मारवाड़ी स्पेशल होती है, तो वो मैंने आपको बना के दिखाई है। उस तरह से ट्राई करके खाना, बहुत अच्छी बहुत मस्त लगती है। और इसको इतनी मस्ती चढ़ रही है ना, इतनी मस्ती चढ़ रही है, किसी से फोन पर बात नहीं कर रहा, सिर्फ मस्ती कर रहा है। अरे 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 ओ बेटू, किसी कर दो मामा, किसी कर दो मम्मा को, मम्मा को अपने आप को थोड़ी करते तेंको। तो वो सब जरूर से बना के ट्राई करना, बाय बाय गाइस। आप लोग को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, बाय करो। हाँ हाँ।
फ्लाइंग किस कर दो। थैंक यू। सॉरी सॉरी क्यों।